घोसी विधानसभा के हमारे सभी मतदाताओं का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं मैं। देख रहा हूं जितना बड़ा मैदान हमें दिखाई दे रहा है उससे ज्यादा हमें लोग चारों तरफ दिखाई दे रहे हैं। इस मैदान का कोई कोना खाली नहीं है। घोसी विधानसभा के मतदाताओं ने मन बना लिया है, जो पलायन करने वाले हैं, जिन्होंने पलायन किया है और लोकतंत्र में जो वोट का विश्वास तोड़ा है, इस बार घोसी विधानसभा की जनता उन्हें सबक सिखाने जा रही है। इस विधानसभा की कोई अब सुध लेगा, इस विधानसभा की सुध लेने वाला अगर कोई है तो वो सुधाकर, सुधाकर सिंह जी। ये आम लोगों के प्रत्याशी हैं, आपके प्रत्याशी हैं, आपके बीच के हैं। ये चट्टी चौराहे पर जहां चाहो वहां रोक लो ऐसे नेता हैं, आपके बीच के हैं, जिन्होंने मतदाताओं को धोखा दिया था, उनको सबक सिखाने के लिए ये जो जन समर्थन दिखाई दे रहा है ये बता रहा है कि सुधाकर सिंह इस बार ऐतिहासिक वोटों से जीतने जा रहे हैं। मैं कई दिनों से लगातार घोसी विधानसभा में प्रचार जो हो रहा उसको देख रहा हूं। कोई नेता बीजेपी का जो मंत्री है, शायद कमी मंत्री बचे होंगे जिन्होंने घोसी में आने का काम नहीं किया हो। घोसी में मंत्री, एक मंत्री, दो मंत्री, तीन, न जाने कितने मंत्री आए हैं और यहां पर जितने लोग खड़े हैं वो जानते होंगे कि एक मंत्री एक किसान के हाथ को पकड़ करके खेतों में घूम रहे थे। मंत्री जी से ने पूछा कि यहां पर कौन जीतने वाला है, पहले तो ज्यादा वोटों से इस बार जिताओगे, पहले हजारों से जीते थे इस बार उससे ज्यादा जीतेंगे। जो मंत्री किसान का हाथ पकड़े जा रहे थे उन्हें लगा कि किसान उनके धोखे में आ जाएगा, उनके जुमलों में फंस जाएगा, लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूं उस पत्रकार को, मंत्री जी के जाने के बाद, जिन्होंने हाथ पकड़ करके अपने खेतों में घुमाया था। जब पत्रकार साथी ने पूछा कि कौन जीतेगा यहां से, वो गरीब किसान गांव में रहने वाला हमारा, उसने कहा कि सुधाकर यहां से हजारों वोटों से जीत करके जाने वाले हैं।